हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। आपने आज व्लॉग रिसीव किया ना, वो दरअसल थोड़ा सा लेट इसलिए हुआ कि उसकी रीज़न ये थी कि अब मैं जो भी व्लॉग आगे आने वाले दिनों में व्लॉग्स आपको आएंगे, मैं हर व्लॉग में कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, कोई ना कोई नई चीज़ ऐड करने के लिए। तो जब आप एडिटिंग में कुछ ना कुछ चीज़ इम्प्रूव करते हैं या उसमें कुछ नई चीज़ एक्स्ट्रा करते हैं तो उसमें टाइम जाता है, एडिटिंग करने में बड़ा ही टाइम जाता है। तो जब आप स्पेशल नई कोई चीज़ उसमें ऐड करते हैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए तो उसमें थोड़ा सा टाइम जाता है। तो डेली व्लॉगिंग में बड़ा ही मुश्किल होता है एडजस्ट करने में कि आप डेली व्लॉग भी बनाएं, शूट भी करें और उसके साथ साथ आप एडिटिंग भी करें। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं काफ़ी दिनों से, तकरीबन डेढ़ महीने से लेकर लगातार मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो उस सूरत में हुआ ऐसे कि मेरी नींद नहीं पूरी हो रही थी, बिल्कुल टाइम जो है ना अप डाउन हो गया था। तो अभी जी मैं डायलिसिस करवाने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं तकरीबन जो है अपने हॉस्पिटल पहुँच चुका हूँ। ये सामने हॉस्पिटल है, इस मस्जिद के बिल्कुल साथ है हॉस्पिटल। ये जो एरिया है ना पूरा, यहाँ पे शिया लोग काफ़ी रहते हैं, उनकी ये मस्जिदें, जगह जगह मस्जिदें हैं। ये छोटा सा एरिया बनेदल गार का, और यहाँ पर तकरीबन जो मैंने देखी हैं वो 7-8 इनकी मस्जिदें हैं। दो गलियों में 7 से 8 मस्जिदें हैं और इतने ही इनके हुसैनी हैं। तो ये इलाका पूरा जो है ना वो तकरीबन शिया लोग का ही है। और ये भी हॉस्पिटल आ गया, अलसलाम हॉस्पिटल है मेरे हॉस्पिटल का नाम। और ये भी मैं आपको पार्किंग में जाने लगा हूँ, और बेसमेंट 1 में जहाँ मैंने जाना है 2 पार्किंग अवेलेबल है वो देखें। बेसमेंट वन में जाना इसलिए है कि बेसमेंट 1 से जो है ना मुझे बिल्कुल डायलिसिस सेंटर साथ ही है, तो जाना बड़ा आसान है। ये जी अब बेसमेंट 1 में मैं जा रहा हूँ। ये जी पार्किंग का जो मुझे कार्ड मिला ना, ये तकरीबन मुझे फ्री पड़ता है। अगर मुझे डायलिसिस करवाने के बाद अगर मैं इसका पे करूँ तो मुझे तकरीबन 450 से 500 फील्स पे करना पड़ेगा। तो ये डायलिसिस वालों के लिए उन्होंने फैसिलिटी दी है कि जो डायलिसिस वाले पेशेंट हैं ना उनको वो स्टैम्प करके दे देते हैं, तो उनको कोई भी चार्जेस नहीं है, ये पार्किंग उनको फ्री पड़ जाती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरा, बिल्कुल ये सामने ये डोर है और डोर के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर डायलिसिस सेंटर है, और यहाँ से चल के यहाँ तक गाड़ी तक पहुँचना जो है ना बड़ा ही आसान है। तो बड़ा ईजीली आप यानी गाड़ी में बैठ सकते हैं, क्योंकि डायलिसिस वाला जो है ना थोड़ा दूर, डायलिसिस के बाद स्पेशली वो दूर तक ज़्यादा चल नहीं सकता। तो इसलिए ये भी बड़ी फैसिलिटी है कि बिल्कुल बेसमेंट के अंदर ही डायलिसिस सेंटर है और साथ ही पार्किंग है, ये बड़ी ज़बरदस्त। तो आज जी मैं थोड़ी सी बचत की है, वो ये कि पहले मैं यहाँ अंदर ट्रॉली या वहाँ से लेता था, बड़ी ही महंगी चीज़ें हैं वहाँ, समझ लें कि 100 फिलस वाली चीज़ जो है वो 500 फिलस में है। तो आज मैंने क्या किया, मैंने ये हल्का फुल्का सा कोई चिप्स वगैरह, कुछ पॉपकॉर्न, चॉकलेट वगैरह मैं बाहर दुकान से लेके आया हूँ। तो ये 500 फिलस के आए हैं, और अगर मैं यहाँ से ये लेता तो ये तकरीबन 1.5 दिनार के मुझे चीज़ें मिलनी थी। तो ये मैंने आज किया। तो बाकी जब चलते हैं डायलिसिस करवाने के लिए, तो आज मेरा यहाँ पर आखिरी डायलिसिस है क्योंकि सैटरडे और वेनसडे है। तो कल मैंने वैसे ही यहाँ से निकल जाना है कुवैत, तो यहाँ भी मैं काफ़ी महंगे करवा रहा था, लेकिन ये अभी कुछ अरसे से तकरीबन 1 माह से लेके जो है ना मुझे तकरीबन आप समझ लें कि फ्री वाला हिसाब है,
कुछ ज़्यादा पैसे नहीं मुझे देने पड़ रहे, तकरीबन फ्री मेरा डायलिसिस हो गया और वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। वो कभी किसी वीडियो में मैं आपको फिर बताऊंगा कि ये फ्री कैसे हुए और कैसे आप भी ये फ्री डायलिसिस करवा सकते हैं। जो कुवैत में रहने वाले हैं उनको मैं बताऊंगा कि फ्री में डायलिसिस अगर कुवैत आपने करवाने हैं तो कैसे करवाएंगे, वो सारा प्रोसेस जो है ना वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले जी वेट किया जाता अभी ना एक घंटा बाकी रह गया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग चुकी थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने उसको सिस्टर को बुलाया और बुला के मैंने कहा मुझे थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दे दो। फिर मुझे खाने के लिए दिया, उसके बाद मैंने खा लिया। जैसे तो बाद 75 400 कि अभी इन्होंने मुझे खाना भी देना शुरू कर दिया डायलिसिस वालों ने। तो इसके अंदर ये खाना है, बाकी सलाद वगैरह जो है वो मैंने वहीं खा लिया था अंदर। इसके आज की वीडियो में मैंने आपको सारा दिखाया कि डायलिसिस कैसे होते हैं। तो ये सारा प्रोसेस था डायलिसिस करवाने का और जैसे मैं करवाता हूँ। तो अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिए, शेयर कर दें अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ और चैनल की सपोर्ट के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें।